दोस्त हम निकल चुके बाहर, हम जा रहे हैं 19 मार्केट। ये हमारा रुद्रप्रयाग का, ये जा रहा है घर इसके लिए कपड़े लेने। चंडीगढ़ का सबसे चीपेस्ट मार्केट 19 में जा रहे हैं हम। ये राहुल भाई, तो हम आ चुके हैं 45-46 लाइटों पर। तो अभी डिसाइड नहीं किया किस में जाना है, ऑटो में जाना है या फिर बस में। और अभी हमें लाइट क्रॉस करनी है, उसके बाद उस साइड ऑटो भी मिलेंगे, बस भी मिलेंगे, देखते हैं किस में जाते हैं। तो अभी हम लाइटों से यहाँ पर रोड पार करेंगे। तो लाइट आ चुकी है और हम रोड पार करें अभी। तो रोड के उस पार है ऑटो मिलेंगे हमें या बस मिलेगी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 45-46 यहाँ पर जो बस स्टैंड है, तो हम वेट करें बस का। ये लोग बोल रहे हैं कि ऑटो में नहीं जाना, तो अभी बस आ रही है। तो वहाँ पर बोर्ड लगा है, तो उस बोर्ड में लिखा है 4 बजे आएगी। तो अभी 3:50 हो रहे हैं, 10 मिनट बाद हमारी बस आएगी। तो दोस्तों आ चुकी है हमारी बस, तो हम जाने वाले हैं, हमने बस में बैठने वाले हैं। तो है दोस्तों वो चमक रही है बोर्ड, तो उसमें टाइम लिखा है कि कब बस आएगी। तो आ चुकी है बस। तो दोस्तों हमने लिए यहाँ से बस 19 मार्केट के लिए, और हम बस में बैठ भी चुके हैं। तो 19 मार्केट यहाँ से यहाँ पर 10 से 20 मिनट का रास्ता है, तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे जल्दी से। दोस्तों पहुँच गए 19 मार्केट, तो आगे से जाना हमें अंदर। चले दोस्तों चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं उनके ऊपर प्राइस टैग भी लगा है, जैसे ये सूट है इसके ऊपर है 100 रुपये, 150 रुपये और 200, 300, 400, 500। तो हर जो कपड़े उस पर प्राइस टैग लगा है, और यहाँ पर काफ़ी सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। तो अभी आ चुके हैं हमारे पैंट की दुकान पर, यहाँ पर बाहर काफ़ी सारे और कपड़े लगे हैं। तो अभी ये जा रहे हैं अंदर अंदर की तरफ, इनको कुछ जैकेट वगैरह लेनी है, तो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी। तो 19 मार्केट हम घूमते घूमते थक गए हैं, तो हम अब यहाँ पर कुछ खाने के लिए बैठ गए हैं। मंगाया 2 बर्गर और चना बटर मंगाया है। तो अभी इसकी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है। अभी यहाँ पर हमने 3 बजे आ गए थे और 6:30 बज गए हैं, अभी तक इसकी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है। अभी ये बोल रहा है कि अभी इसका ट्राउज़र बाकी है, सॉक्स लेने हैं और स्वेटर लेने हैं मम्मी के लिए। तो अभी हम काफ़ी सारे शॉपिंग बाकी है, अभी लिया इसने सिर्फ बैग लिया है और एक जैकेट ही लिया है। 3 घंटे में इसने बस अभी एक बैग लिया, 2 जैकेट ही लिए, बस इतना ही। समझ नहीं आ रहा, 3.5 घंटे घूमते घूमते आया, सर दर्द लग गया। ये लाया अपने लिए चना भटूरा, और अकेले अकेले खा रहे भाई, हमारे बर्गर तो लाए नहीं, इसको इतनी भूख लग गई कि ये देख नहीं रहा हम भी इसके साथ आए हैं। देखो ओ भाई, देख भी ले, हम भी तेरे साथ आए हैं, देख इसको इतनी भूख लग रखी है। बस तो वायरल आज। हमारा बर्गर भी आ चुका है, और साइड में मिंट चटनी और ये सॉस है। तो इसमें मेयोनीज दिख रहा है, लेट्यूस दिख रहा है, और ये टिक्की है और टमाटर प्याज है। चलो तो दोस्तों हमने खा लिया यहाँ पर, इतने चने बटर खाए और हमने बर्गर खा लिया है। तो अब चलते हैं फिर शॉपिंग की शुरुआत करते हैं। अब सॉक्स बाकी, इसका ट्राउज़र बाकी है और स्वेटर बाकी है, तो उसको लेते हैं तब चलते हैं घर के लिए। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 7 बजे लगभग। तो दोस्तों आ चुके हैं मार्केट से बाहर, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं ऑटो मिलते हैं, बस हम जा रहे हैं घर वापस। तो देखते हैं ऑटो में जाते हैं बस में जाते हैं, अभी तो देख रहे हैं, अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है, थोड़ा आगे जाते हैं। और बस स्टैंड भी वहाँ पर चेक करेंगे, वहाँ पर लिखा है तो कितने बजे की बस है, अगर बस लेट जाएगी तो ऑटो भी देखेंगे। तो अब हम जा रहे हैं घर, हमने ले लिया बड़े के लिए ऑटो, तो ऑटो में देर हो चुका है, तो उसे लाइट जला रखी है। तो ये भाई रुद्रप्रयाग का, अब मैंने बताया था आपको, तो इसकी अभी शॉपिंग पूरी नहीं हो रही है। अभी बल रह गया हुडी, रह गए स्वेटर, रह गए सॉक्स, रह गए जो कम कर भी रहेंगे, और हम कल बड़े की फिर शॉपिंग करेंगे। कल इसकी मार्केट नहीं करूँगा, कल 85 मार्केट जाना है, कल लिस्ट बना के लाना, अगर कल ये लिस्ट बना के लाएगा और हम जाएंगे कल बड़े की मार्केट। बहुत महंगा था यार, क्या था महंगा, ये चंडीगढ़ का सबसे सस्ता मार्केट है भाई। ये 19 मार्केट गए थे, चंडीगढ़ का सबसे सस्ता मार्केट में लाए थे हम इसको। हाँ, इसने इतनी शॉपिंग कराई कि मेरे को इतना सामान दे दो, 2 बैग, ये इसका शॉपिंग, इसमें इसने 2 जैकेट रखी है और ये बैग।
और क्या ले, जूते ले इसने, और वो भी 3 बजे से लेके अब 7 बज गए और अभी इसकी शॉपिंग पूरी नहीं हो रखी। तो दोस्तों कल हम जाएंगे फिर बड़ा मार्केट और कल भी इसको हम उत्तराखंड भेजेंगे पूरी शॉपिंग करके, हमारा भाई है उत्तराखंडी भाई, तो इसको हम पूरी शॉपिंग कराएंगे तब इसको हम कल भेजेंगे, शायद हम छोड़ने वाले हैं। तो चुके ऑटो से और लगभग मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ, वो दोनों भी अपने घर चले गए हैं। वो रहते 46D में, हम रहते 46 में आगे पार्क। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और ब्लॉग के साथ, तब तक ध्यान रखें अपना।